नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आपका टेस्टी के इस हिंदी सफर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एक लीटर दूध से कैसे 20 से 22 रसगुल्ले बनाएंगे। तो शुरू करते हैं एक लीटर गाय के दूध से। ये बात ध्यान रखें कि हम गाय का दूध ही लें। अगर आप भैंस का दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2-3 बार उसे उबाल कर उसकी मलाई निकाल लें, क्योंकि भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है। हमारे रसगुल्ले पौंजी नहीं बनते। दूध में एक अच्छा सा उबाल आ जाने के बाद हम उसे दही की मदद से फाड़ना शुरू करेंगे। और उसके लिए एक बड़ा चम्मच दूध लेके उसमें एक छोटा चम्मच दही डालेंगे और सिर्फ उतने से दूध को फाड़ कर हम उसी फटे हुए दूध को वापस पूरे दूध में मिला लेंगे। हमें इस तरह से दूध को तब तक फाड़ते रहना है जब तक कि दूध में पानी और पनीर दोनों अलग ना हो जाए। ये प्रोसेस लंबा ज़रूर है, लेकिन इसी के वजह से हमें काफ़ी सॉफ्ट पनीर मिलेगा। कई सारी टेक्निक से पनीर बनाने के बाद हम इस नतीजे पर आए हैं कि दही से फाड़ने के बाद हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पनीर मिलता है। एक लीटर दूध से पनीर बनाने के लिए हमें करीबन 1 कप दही की ज़रूरत होगी। दूध में पानी और पनीर अलग हो चुके हैं और यहाँ हम गैस बंद कर देंगे और अब इस पनीर को हम अच्छे से छान लेंगे। छाने हुए पानी को हम बिल्कुल फेंकने नहीं वाले, क्योंकि ये बहुत ही सेहतमंद होता है। इसे हम कई जगह पर उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम इससे आटा भून सकते हैं या फिर कढ़ी बना सकते हैं। जब हमने दही की मदद से दूध को फाड़ा था तब दही का खट्टापन हमारे पनीर में आ गया था। अब इसी खट्टेपन को निकालने के लिए हमें पनीर को अच्छे से धोना है। इसके लिए हमें साफ पानी को पनीर में डालना है और अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद हम उसे छान लेंगे। यही प्रोसेस हम 3 से 4 बार करेंगे। 2-3 बार करने के बाद आपको दिखेगा कि छाना हुआ पानी थोड़ा सा साफ होता जा रहा है। इस तरह से सारा खट्टापन निकलने के बाद आखिर में छन्नी पर कपड़ा रखकर पनीर को छान लेंगे। कपड़े को निचोड़कर पनीर में से जितना हो सके उतना पानी निकाल लेंगे और फिर किसी खिल्ली पर या नल पर टांग कर उसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद हम इस प्रकार की छन्नी लेकर हमारे हाथ के इस भाग से पनीर को मसल कर छान लेंगे। ये करने से हमारे पनीर के सारे दाने टूट जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट पनीर हो जाता है। अगर आप इसे 2 बार करेंगे तो आपका पनीर और भी सॉफ्ट हो जाएगा और आपके रसगुल्ले बहुत ही स्मूथ और स्पंजी बनेंगे। पनीर को अच्छे से छानने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून दानेदार चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मसल लेंगे। अभी डाली हुई चीनी हमारे रसगुल्ले को बहुत ही स्पॉन्जी और जालीदार बनाने में मदद करती है। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। यहाँ पर मसलने की मेहनत करने से हमारा फल यानी कि हमारा रसगुल्ला सही मायने में मीठा होगा। हमारे रसगुल्ले तभी अच्छे बनेंगे जब हमारा पनीर एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो, बिल्कुल इस तरह से। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कदम पर, जो कि है हमारी चाशनी बनाना। उसके लिए हम लेंगे 4 कप पानी, जिसमें हम 1 कप चीनी डाल देंगे। फिर इसे थोड़ी देर चलाते रहना है ताकि हमारी चीनी कढ़ाई को चिपक ना जाए। अब हम बनाएंगे हमारे पनीर के गोले। अब हम पनीर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके मीडियम साइज गोले बना लेंगे। हर एक गोले को हल्के हाथों से रोल करना है ताकि वो स्मूथ और बिना क्रैक का बने। आपको देखकर लगता होगा कि ये तो बड़े ही छोटे गोले बनाए हैं, लेकिन चाशनी में डालने के बाद ये काफ़ी फूल जाएंगे। हमारी चाशनी में उबाल आना शुरू हो गया है और हमारे गोले भी बनकर तैयार हो रहे हैं। इस रेसिपी से आपके 20 से 25 मीडियम साइज गोले बन जाएंगे। चाशनी उबलने के बाद गैस को फुल ही रखें और उसमें सारे पनीर के गोले डाल दें।
ध्यान रखिए, जब आप रसगुल्ले डाल रहे हो तब चाशनी उबल रही हो और आँच तेज हो, और इसे ढककर 15 मिनट के लिए उबलने देंगे। आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद ये फूल कर कैसे बड़े होने शुरू हो चुके हैं। पांच मिनट के बाद हमारे रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं और हम कर देंगे हमारा गैस बंद। और अब यहाँ डालेंगे हम 1 कप ठंडा बर्फ वाला पानी। ये हम डालते हैं ताकि हमारे रसगुल्ले आगे पकना बंद हो जाए और ऐसे ही फूले हुए रहे। करीबन 1 घंटे के बाद हमारे रसगुल्ले खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको कि कैसे पूरा निचोड़ने के बाद भी अगर इसे हम वापस पानी में डालें तो तुरंत स्पॉन्ज जैसे फूल के वापस आ जाते हैं। अब इस रसगुल्ले को आपको तोड़ के बताते हैं कि पनीर में डाली हुई शक्कर का जादू कैसे चला है, कैसे हमारे रसगुल्ले एकदम जालीदार बने हैं। हमारी रेसिपीज ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरीज अपलोड करें और टैग करना ना भूले @tastyeat_। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। साइनिंग आउट, टीम टेस्टी ईट।